ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेमोस्ट्रेशन है, ये आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये इटली में पाया जाता है गंडोला बोट और इवनिंग टाइम, ये विदाउट ड्राइंग वाटर कलर कर सकते हैं, राइट। दो तीन कलर यूज हुआ है यहाँ पे, सो वी कैन स्टार्ट विद लेमन येलो, ऑरेंज, इंडियन रेड और मे बी क्रिम्सन, राइट। सो प्लानिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे कौन सा लाइट होगा, कहाँ पे डार्क होगा, किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है, क्या क्या है। अब मैंने क्या डिसाइड किया कि दोनों साइड में डार्क बिल्डिंग है जहाँ पे और नीचे में वाटर है, 50% वाटर और 50% ऊपर में बिल्डिंग। तो वाटर हम लोग करेंगे थोड़ा बहुत डार्क से वाटर रिपिल एंड शेडो कर सकते हैं, तो ये प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। ऊपर में बिल्डिंग जो है स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूँ एंड डॉटेड दे रहा हूँ, दिस इज द विंडो, दिस इज द सजेशन। वाटर कलर का मतलब ये ही नहीं कि आप फोटो फिनिश करते रहो, इट्स नॉट अबाउट द फोटो फिनिश, करना है तो फोटोग्राफ लेके प्रिंट ले लो, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस, ये मेरा स्टाइल है, ये बहुत ईजी स्टाइल है, बट इसमें फुल कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, पहले से प्री प्लानिंग करना होगा, विजुअल कंपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। ये जो ब्रशिंग कर रहा हूँ इट्स लाइक द रिपिल एंड वाटर फील, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि थोड़ा बहुत ड्राई ब्रश से हम लोग शेडो एंड बोट करेंगे। यहाँ पे धीरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लू और ब्लैक, एनी टाइप ऑफ सेरुलियन, अल्ट्रामेरियन, वॉट एवर ब्लू एंड एनी टाइप ऑफ ब्लैक यू कैन यूज दिस। सो यू स्टार्ट गोंडोलास टाइप ऑफ बोट, बट ड्राइंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ब्रशिंग से ही मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। इसमें आपको ध्यान से देखना है, अगर ड्राइंग में प्रॉब्लम है तो पहले आप पेंसिल से कर लीजिए, उसके बाद आप वाटर कलर से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये विदाउट ड्राइंग में शेडो दे रहा हूँ एंड उसका रिफ्लेक्शंस, ये प्रोसेस है, ये कॉन्फिडेंस है। सी अगर 30% इधर चले गया, 40% उधर चले गया, 20% खराब हो गया इस साइड, डज नॉट मैटर, मैटर इज द ओवरऑल इम्प्रेशन, ओवरऑल कंपोजिशन, हाउ टू बिल्ड, वो इम्पॉर्टेंट है कि लाइट एंड शेडो, लाइट कहाँ से पास आउट हो रहा है, शेडो कहाँ से आ रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है एंड पर्स्पेक्टिव क्या है, बिल्डिंग का इल्यूजन्स क्या है एंड बोट का कलर कैसे है। दोनों साइड में ब्लैक है बट यू फील लाइक कि हाँ इवनिंग टाइम है एंड सनलाइट उधर से आ रहे हैं तो उसका शेडो है नीचे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। थोड़ा थोड़ा कलर कॉम्बिनेशंस आप डिफरेंट कर सकते हो, रेड से या आप ग्रीन थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, बट डज नॉट मैटर, ग्रीन नहीं भी दे सकते हो, राइट। मैंने कोई भी यूज़ कलर नहीं किया है, दो तीन कलर छोड़ के। यहाँ पे कैरेक्टर में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिटेल में सा आउटलाइन एंड फ्लो, लाइट के अगेंस्ट में जो डार्क लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी वो ब्यूटी लाइन बन जाता है। तो इनके कॉन्फिडेंस अगर है आपका, एक्सीडेंटली वर्क ना ब्यूटिफुल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, पीपल लाइक दिस। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एवरीडे प्रैक्टिस करिए छोटा छोटा पेपर में, इट्स नॉट बिग पेपर, दिस इज माय A4 साइज पेपर, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पेपर में डेमोन्स्ट्रेशन देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और लिंक भेज दीजिए, आपका कोई अगर प्लेटफॉर्म है मैं चेक करूंगा, चेक करके आपको मैं बताऊंगा, उसी हिसाब से मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कहीं कंपोजिशंस में, आप मुझे फोटोग्राफ्स करके भेज सकते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको सिखा सकता हूं, राइट। तो ये इस ट्यूटोरियल प्लस डेमोन्स्ट्रेशंस है, आप इसको दो तीन बार देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ईजी है, ये बहुत ईजी है। 4 to 5 minutes का पेंटिंग है, बट आपको जब ये फ्रेमिंग करके आप अगर दीवार पे लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत कॉस्टली, ऑब्वियसली एज पर एक्सपीरियंस ये पेंटिंग कॉस्टली होगा ही, राइट। बट आप ऐसा पेंटिंग बना सकते हैं 100%। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऊपर में सब्सक्राइब आ रहे हैं तो यार सब्सक्राइब भी कर देना।